मुल्तान में 14 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। मेहमान और मेजबान टीमें पंजाब जमाने के लिए बेताब। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्टइंडीज का पहला टाकरा कल होगा। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त इकदाम। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी शाम 4:30 बजे स्टेडियम रवाना होंगे। पंजाब के पुलिस अफसरान के खसूसी अहकाम। ट्रैफिक के बिला तातुल रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। 7,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार 24 घंटे ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। कहा कि मेहमान टीम और मैच ऑफिशियल्स को VVIP सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख। PCB की वेबसाइट पर 2,500 के करीब ऑनलाइन टिकट्स बाकी रह गए। यूरिया खाद का बहरान। जनूबी पंजाब के किसानों को कर गया परेशान। यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए मुश्किल तर हो गया। रोहिलिया वाली में माफिया की जानिब से ब्लैक में खाद की फरोख। बहावलपुर में घंटों लाइनों में लगकर भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। काश्तकारों का एहतजाज। कमिश्नर बहावलपुर का गल्ला मंडी का दौरा। खाद की रसद और तलब बारे सिस्टम ठीक करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दावे नाकाम। खानेवाल में बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी की फ्राहमी का मुतालबा। पेट्रोल और बिजली महंगी करने के बावजूद रुपए की बेकदरी जारी। इंटर बैंक में डॉलर 2.40 रुपए मजीद महंगा। नई कीमत 202.50 रुपए हो गई। मैपको टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। खानपुर में वापडा टीम ने दर्जनों मीटर काट कर बिजली चोरों को पकड़ लिया। SDO वापडा कहते हैं कि शहर के सस्ता आटा और गंदम की फ्राहमी कमीशन। जिला इंतजामिया खानेवाल इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर का फ्लोर मिल्स का दौरा। आटे की तैयारी और इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियों को सस्ता और मियारी आटा फ्राहम करना मिशन है। खादों की सप्लाई और रेट्स के मसाइल हल कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीमर खान। इकरार हुसैन का बयान। कहा कि जिम्मेदार अपनी जमाबंदी और शनाख्ती कार्ड से कंट्रोल रेट पर यूरिया खाद खरीद सकते हैं। जखीरा अंदोजों का गिर्द घिरा तंग। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी मियांवाली की सरबराही में इजलास हुआ। शहर प्रनोश की जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। लोधरा में जमीन इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिले भर में 165 डिस्प्ले सेंटर कायम। वोट के इंदराज और दुरुस्तगी वोट ट्रांसफर इतराजात हल किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ मैपको सर्कल ऑफिस में सेफ्टी सेमिनार। मैपको अफसरान ने वर्कर्स से खिताब किया। कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शदीद गर्म मौसम में वर्कर्स की हिफाजत की ज्यादा जरूरत होती है। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत आउट ऑफ कंट्रोल। शहर औलिया का सूरज आज 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। उधर DG खान में सूरज के तेवर बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की तवक्को। और पाक फौज का शहरियों की सहूलत के लिए ऐसे इकदाम। शदीद गर्मी के पेश नजर लोधरा और बहावलपुर में हीट स्ट्रोक सेंटर और फ्री मेडिकल कैंप कायम। 2,596 मरीजों का फ्री इलाज कराया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कैंप का दौरा किया। सिविल और मिलिट्री डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की कोशिशों को सराहा गया।